जय दोस्तों दोस्तों आज है 29 मार्च और आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास सैनिक न्यूज जिसमें कवर करने वाला हूं सेना में 5 लाख तक ही जमा कर सकेंगे इनकम टैक्स और ब्याज कम। अग्निपथ योजना में होगा सुधार, रक्षा मंत्री, टोल पर टैक्स होगा बंद, नितिन गडकरी, J&K से हटेगा अफसफा, सेना वापस, आर्म्ड फोर्सेज के लिए DA का आदेश। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस लेटर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। दोस्तों यह लेटर है 13 मार्च 2024 का और दोस्तों यह किस संदर्भ में है, सेलिंग ऑफ ₹5 लाख ऑन सब्सक्रिप्शन टू DSOPF और AFPP इन अ फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो आर्म्ड फोर्सेज में चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो, तो तीनों के चीफ को यह भेजा गया है। दोस्तों आपको पता है कि सेना के अंदर AFPP फंड या DSOPF फंड कटता है और ये आप खुद कटवाते हैं और आप जब इसको कटवाते हैं तो दोस्तों आपको तीन तरह के फायदे होते हैं। पहली बात तो जो आप वहां पर जितना AFPP फंड आपका कटता है वह टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है, उस पर टैक्स नहीं करता, यानी कि वो आपकी इनकम में नहीं आता, उतना अलग हो जाता है। दूसरी चीज, जो आपका जमा होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको, ज्यादा ब्याज ज्यादा मिलता है उसमें, और जब दोस्तों यहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी सेविंग भी इससे बढ़ जाती है। तो अब दोस्तों इसका आदेश आया है, आप देख रहे होंगे कि सेलिंग यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि दोस्तों इसका हो क्या रहा था कि देखिए जेसीओ जवान तो इस दायरे में आते नहीं कि हर साल जो है 5 लाख रुपए वहां पर जमा कर सके, क्योंकि उनको अपना खर्चा भी चलाना पड़ता है। लेकिन जो अधिकारी लोग हैं तो ऐसे में जो है जो मोस्ट ऑफ ऑफिसर्स हैं, खासकर जो ऊपरी रैंक के हैं, तो वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पर अच्छा खासा 5 लाख से भी ऊपर 10 लाख 15, तो वहां पर उनको काफी अच्छा खासा फायदा मिल जाता था, टैक्स में हो गया या फिर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है अच्छा मिल रहा था। तो ऐसे में दोस्तों इस पर जो है एक लिमिट कर दी गई है, लिमिट यह पहले से ही जो है दोस्तों इसका लेटर भी उसका रेफरेंस दिया गया है कि जो इसमें जमा कर सकते हैं वो 5 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर तक ही कर सकते हैं। और दोस्तों ये केवल सेना में ही नहीं, सिविल में भी लागू है, सारे जगह लागू है, और यहाँ पर स्पेशली जो है आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल के लिए भी यहां पर बताया गया है कि आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल के लिए भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने DOPPW ने जो लेटर जारी किया था वो आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल के लिए भी है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, रक्षा मंत्री बोले सरकार अग्निवीर योजना बदलाव करने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 2022 से जब से जो है अग्निपथ की योजना आई है तब से जो है काफी विरोध हुआ इसका, और अब जब चुनाव सामने आ चुके हैं तो ऐसे में दोस्तों इसके पीछे जो है राजनीति भी होना शुरू हो चुकी है, यानी कि यह जो है बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनने जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव करने को तैयार है, यानी कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो दोस्तों हालांकि आप अग्निवीर जो योजना से, जो अग्निपथ योजना है उससे संबंधित आप यहां पर जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड पता नहीं कि इनकी भर्ती किस प्रकार से होती है, इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है पहले साल, चौथे साल तक, और रिस्क और कठिनाई के आधार पर अलाउंसेज, सेवा निधि पैकेज आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, और इसके अलावा जो है यदि अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उनको जो है कितना मिलता है, क्या डिसेबिलिटी बेनिफिट है, यहां पर सारा लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगली दोस्तों बड़ी खबर है कि टोल पर टैक्स होगा बंद। पहले दोस्तों आप सुनिए नितिन गडकरी जी को, वो क्या कह रहे हैं। टोल टैक्स का मुद्दा भी है, लोगों की जेब बहुत उसमें, अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हो गई, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा, लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा है। समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है, तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं तो लोग पैसे भी वापस कर। जी हाँ दोस्तों, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंसेस द एंड ऑफ करंट टोल सिस्टम। आपको पता है कि अभी जो है आपका जो टोल टैक्स है टोल प्लाजा पर कटता है, तो ऐसे में दोस्तों इस सिस्टम को बंद करने की बात
करी जा रही है। तो दोस्तों अगर यह बंद होगा तो क्या आपका टोल टैक्स कटना बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा है कि आपका टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन ही अनाउंसेस टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, टोल प्लाजा पर नहीं कटेगा, लेकिन जो है अब इंट्रोड्यूस करने जा रही है गवर्नमेंट जो है न्यू सैटेलाइट, यानी कि आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ होगा, सैटेलाइट से ट्रैक्ड रहेगी आपकी गाड़ी जितनी देर हाईवे पे रहेगी दोस्तों, जितना किलोमीटर चलेगी तो उतना का जो टोल टैक्स है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगा। यानी कि ये सारी चीजें दोस्तों लिंक रहेंगी एक दूसरी चीजों से। और दोस्तों इस चीज से होगा क्या, आपका फायदा क्या होगा कि सबसे पहला तो आपका समय बचेगा दोस्तों। अब समय कैसे बचेगा दोस्तों, टोल प्लाजा पर कई देर के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा अपना टोल टैक्स कटवाने के लिए। दूसरा आपका पैसा बचेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप एक टोल प्लाजा पर जाते हैं वहां पे एक फिक्स रेट रहता है कि भाई 200 रुपए 300 रुपए जो भी आपने कटवाना है, उसके बाद जो है आप 10 किलोमीटर जाएं 20 जाएं 30 जाएं तो कट तो आपका गया है 200 रुपए। लेकिन इस सिस्टम में क्या रहेगा कि आप 10 किलोमीटर हाईवे पर हैं, 5 किलोमीटर हाईवे पे हैं, 15-20 किलोमीटर हाईवे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका जो है सैटेलाइट से ट्रैक्ड रहेगा और उतना ही आपका टोल कटेगा ऑटोमेटिकली, तो यहां पर आपका पैसा भी बच जाता है। और तीसरी चीज है फ्यूल। जी हाँ दोस्तों, आपका समय बचता है, कहीं पर आपको ट्रेवल करने में कम समय लगता है, तो आपका ऐसे में जो है फ्यूल भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे टेक्नोलॉजी तो बढ़ ही रही है और समय की कीमत सबसे ज्यादा है। और आगे बात करेंगे दोस्तों एक मेन खबर की। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर से अफसपा हटाने पर विचार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में जो है अफसपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, और ऐसे में दोस्तों जो अफसपा है वो सशस्त्र बलों को के जवानों को कई अधिकार देता है जो अशांत इलाके हैं जहां पर अफसपा लागू किया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है तलाशी हो गई, गिरफ्तारी हो गई या गोली चलाने के आदेश, कई चीजें इनके लिए वारंट की जरूरत नहीं होती है या ऊपर से परमिशंस की जरूरत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जो है सशस्त्र बलों के लिए इससे जो है प्रोटेक्शन मिलता है संवेदनशील या फिर अशांत इलाकों में कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले जो है 370 पर जो है सुनवाई हुई थी, तो उसके बाद जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि सितंबर से पहले जो है विधानसभा चुनाव वहां पर कराए जाएंगे। अब सितंबर से पहले अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो दोस्तों उससे पहले गवर्नमेंट यह तैयारी कर रही है कि वहां से जो अफसपा है हटाया जाए, मतलब हटाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे, ऐसा कहा है गृह मंत्री जी ने। तो कुछ ना कुछ हो सकता है दोस्तों, फेस वाइज यह विड्रॉल हो, यानी कि इससे जो है जो वहां पर मौजूद सेना के जवान हैं उनको भी धीरे धीरे करके विड्रॉल करा जा सकता है। कुछ जो ज्यादा अशांत क्षेत्र हैं तो ये फेज वाइज होगा और वहां पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस का जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, सेना की जगह में वो ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए J&K में तो हटाया जा रहा है धीरे धीरे करके, जो भी है विचार करेगी गवर्नमेंट, लेकिन दोस्तों वहीं जो है अरुणाचल और नागालैंड में अफसपा 6 महीने के लिए बढ़ाएगा, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। और अगला है दोस्तों बड़ी खबर, और खबर क्या है दोस्तों, हालांकि पुरानी ही है, आपको पताया है कि 1 जनवरी 2024 से आपका जो DA और DR है 4% बढ़कर के 40% से 50% हो चुका है। तो ऐसे में जो है सभी डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट जो है जो उसका DA या DR का जो एरियर है और DA जो पे किया जाना है पेंशन और सैलरी के साथ में, उसके ऑलमोस्ट सभी के लेटर निकल चुके हैं। तो इसी प्रकार से जो है 20 मार्च को जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का भी जो है लेटर निकल चुका है, तीनों आर्मी चीफ को यह भेजा गया है। और दोस्तों यह DR के संबंध में नहीं है, यह है DA के संबंध में, यानी कि जो आर्म फोर्सेज में अभी सर्विस में है उनके संबंध में। और पेंशनर्स के संबंध में दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि 1 अप्रैल को तो जो आपकी मार्च की पेंशन आनी है उसमें हालांकि आपका जो DR है वो बढ़ करके नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है दोस्तों उस दिन अलग से 3 महीने का आपको DR का एरियर मिल जाए, या फिर जो है कुछ अगले 2-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल जाए। तो आई थिंक कि आपको जो है यह सैनिक न्यूज पसंद आए होंगे, अगर ऐसा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन
मिलती रहे, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।